तो चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ बूट का एक नया एयर मतलब जो नेकबैंड आता है रॉकर्स 330 जो कि काफ़ी अच्छा है। इसकी आज की इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इसके फीचर्स के बारे में आप सबको बताने वाला हूँ, इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इसका बैटरी बैकअप क्या है, आप लोग इसके इसका जो यूज है किसके लिए आप लोग कर सकते हो, क्या आप सबको इसको बाय करना चाहिए या फिर वैल्यू फॉर मनी है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स में इसके बारे में आप सबको मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियोज़ को पूरे एंड तक देखिएगा। अगर जो आप सबको को ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो इसका बाय लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप सबको चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए आप सबको इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स में आप सबको अपना रिव्यू अपना ओपिनियन इस प्रोडक्ट के ऊपर देता हूँ। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप कुशवाहा, आप सभी का अपने चैनल एसके टेक रिव्यू पे स्वागत करता हूँ। अगर जो आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ तो सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये है बोट का एक रॉकर 330 का एक नेकबैंड जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अगर जो इसको 10 मिनट तक चार्ज करते हैं तो 10 हावर्स तक ये चलता है, ये कंपनी का दावा है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं हमें कैसा अंदर जो पैकेजिंग है इन दी बॉक्स हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के भी ऊपर एक बार नज़र डाल देते हैं। तो पीछे आते हैं तो यहाँ पे आप सबको देखने को मिल जाता है 10 mm का डायनेमिक सिस्टम आप सबको देखने को मिल जाता है, और काफ़ी इसका जो बेस क्वालिटी है काफ़ी डीपली, अगर जो आप लोग सॉन्ग बेस ज़्यादा लाउड सुनते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो फाइनली इसका लो पावर भी इसमें दिया है, ड्यूअल पेयरिंग विथ ब्लूटूथ V5.0 का इसमें पेयरिंग सिस्टम दिया है। ये एक बहुत ही खास बात है कि अगर जो इस डिवाइस को आप लोग चाहो कि अगर जो नेकबैंड को आप सब लोग चाहते हो कि दो डिवाइस से कनेक्ट कर लें, दो फोन से कनेक्ट कर लें, तो काफ़ी आराम से आप सब लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें जो आप सबको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलने वाला है वो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलने वाला है, और इधर जो आप सब इसमें मैग्नेटिक सिस्टम होने वाला है, जो आप सभी के जो बड्स होते हैं, जो मेन जो बड्स होता है उसका ब्लूटूथ जो है वो मैग्नेटिक रहेगा, जो आपस में काफ़ी आसानी से चिपक जाएगा। तो चलिए इसे पहले ओपन करते हैं। तो यहाँ से हमने इस टेपिंग को हटाया और इधर का इसको भी हटाते हैं, और चलिए ओपन करते हैं और देख लेते हैं। और इसके कुछ नीचे भी हाईलाइट फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हो आसानी से ही, तो आप लोग एक बार ज़रूर एक बार इस पर नज़र डाल लीजिएगा। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, ओपन करते हैं, और ये देखिए फाइनली हमारा आ चुका है ऊपर से। और इसमें कुछ ऐसे एक पेपर मिल जाता है जो कि इधर बोट की ब्रांडिंग की गई है और कुछ नहीं, और चलिए इसे साइड में रखते हैं और इसको इधर हटाते हैं। तो फाइनली हमारे यहाँ पे नेकबैंड देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ऑसम कलर है। तो चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो ये हमारे हैं बड्स जो कि आप लोग इसमें देखने को मिल जा रहा है। तो चलिए बड्स को आराम से निकाल लेते हैं, और देखिए काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ये है, तो इसको पहले रखते हैं साइड में, फिर आराम से देखते हैं इसमें बॉक्स में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसको भी रखते हैं साइड में और इधर आते हैं तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। इसको बाहर निकालने के बाद यहाँ पर हमें कुछ ऐसे देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देखते हैं इसमें क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक बार इसे ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो चलिए इसमें हमें कुछ मैनुअल कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। ये है इसका 1 ईयर वारंटी कार्ड जो कि वारंटी कार्ड के साथ ही आता है, और इसके ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये हमारे इंडियन के बैटमैन्स शिखर धवन जी हैं, और यहाँ पे बूट लिखा हुआ है। तो चलिए इसे हटाते हैं, और ये हमारा वारंटी कार्ड है, और इसके अंतर्गत और एक और हमें डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाता है। चलिए इसको रखते हैं साइड में, और इधर ये कुछ इसके स्टिकर्स जो हैं, आप लोग चाहो तो कहीं भी इसको चिपका सकते हो, काफ़ी एक अच्छी बात है। तो चलिए इसको भी रखते हैं साइड में, और इधर आते हैं तो हमें एक केबल देखने को मिल जाता है जो कि टाइप सी केबल है, आप लोग देख सकते हो USB 2 Type-C केबल, जो कि हमें नेकबैंड को चार्ज करने में काफ़ी मदद करेगा। और इसमें हमें कुछ नहीं देखने को मिलता है, और ये
4 ईयर टिप्स दिए गए हैं जो कि अपने कान के हिसाब से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नेक बैंड के ऊपर। तो ये हमारा फाइनली नेक बैंड है जो कि आप लोग देख सकते हो, नेक बैंड देखने में काफ़ी अच्छा है। तो चलिए पहले बात करते हैं। तो इधर आप लोग आते हैं तो बूट की यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रांडिंग की गई है। इधर आते हैं तो यहाँ पे आप लोग को एक पावर ऑन ऑफ का इधर बटन है और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट और इधर वॉल्यूम अप एंड डाउन का इन्होंने एक ऑप्शन दिया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा है। यहाँ से भी आप चाहो तो आसानी से इसे अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो आप लोग चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है वो मिलता है टाइप सी जो कि देखने में काफ़ी अच्छा है। इसकी मेटल बिल्ड क्वालिटी है जो कि काफ़ी ऑसम है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा है। और ये वाटर रेजिस्टेंस है, आप लोग पानी में भी अगर जिससे रखते हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब आते हैं इस ईयरबड्स के बारे में, अब विचार आते हैं। तो ये मैग्नेटिक है जो कि आप लोग देख सकते हैं, मैग्नेटिक है, आप सभी को आवाज़ इसकी सुनाई दे रही होगी। और ये हमारे कान में बहुत ही आसानी से ये जाके पहुंच जाता है जिससे गिरने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं जो कि आप सब लोग जान सकते हैं। तो चलिए इसे हटाते हैं, बंद करते हैं और एक बार इसकी साउंड टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो चलिए एक बार इसकी साउंड टेस्ट भी कर लेते हैं। दोस्तों, जो इसकी बेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, दमदार क्वालिटी का बेस है। अगर आप लोग साउंड सुनते हो तो मैं आपको सभी को यही बोलूँगा, ज़्यादा साउंड करके आप लोग ज़्यादा साउंड देकर ना गाना सॉन्ग सुने क्योंकि आपके कान भी ख़राब हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, कॉलिंग सिस्टम भी इसमें काफ़ी अच्छा दिया है, आप फिर बात भी कर सकते हो। आप कॉस इस फोन इस ईयर जो ये नेक बैंड है इसको बाई कर सकते हो। तो मैं इसको आप सभी को रिकमेंड कर सकता हूँ, ऑफकोर्स आप लोग बाई कर सकते हो। नीचे इसका बाय लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप सब लोग जाके इसको ऑफकोर्स बाई कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो बूट का रॉकर 330 है, ये एक नेक बैंड काफ़ी अच्छा है। अगर जो आप लोग कॉलिंग के तरफ अगर जो आप लोग ज़्यादा बात करते हो या फिर आप सब डीपली अगर जो बेस के बारे में अगर जो आप सब लोग सुनना चाहते हो, डीपली बेस म्यूजिक आप सब लोग सुनना चाहते हो, ऑफकोर्स इस प्रोडक्ट को आप सब लोग बाई कर सकते हो। इसका जो बाई लिंक है आप सबको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाके बाई कर सकते हो। इसका जो म्यूजिक वाला क्वालिटी है उसका बेस काफ़ी ज़्यादा है और इसकी जो कॉलिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। ब्लूटूथ जो इसका है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छे से कनेक्ट होता है। 10 मीटर्स के रेंज में अगर जो आप लोग रहते हो तो आसानी से ये कनेक्ट कर लेता है और ये काफ़ी अच्छा है। 10 मिनट तक आप लोग चार्ज करोगे तो 10 आवर्स तक यूज करोगे। ये इसकी कुछ खासियत है जो मैंने आप सबको इस वीडियो में बताया है। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद है, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कि इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।